गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स का, दैट इज लॉस ऑफ गुड्स। जब कंसाइनमेंट जो कंसाइनर है वो भेजता है, तो बीच में ट्रेवलिंग होती है। जब कंसाइनमेंट आप भेज रहे हो या प्रोडक्ट ऐसा है कि जहाँ पर आपको रिस्क होता है कि वहाँ पे लॉस ना हो जाए, लॉस को हम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि किस तरीके का लॉस हो सकता है ड्यूरिंग द कंसाइनमेंट। तो पहला है आपका नॉर्मल लॉस और दूसरा है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हम उस लॉस को कहते हैं जो अकर होता है ड्यू टू नेचुरल करेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड्स, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे घी है, लीकेज हो सकती है, ऑयल है, लीकेज हो सकती है, इवेपोरेशन हो सकती है, शॉर्टेज फ्लावर के केस में, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ड्यू टू हैंडलिंग एंड वेइंग, ड्राइंग एक्सेट्रा जैसी जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। और आप कितना भी पॉसिबल एफर्ट कर लो, इन लॉसेस को कुछ ना कुछ अमाउंट में अकर होना ही होना है। तो क्योंकि जो नॉर्मल लॉस है वो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ गुड्स जब आप सेंड करते हो कंसाइनमेंट पे, तो कोई सेपरेट एंट्रीज के लिए पास नहीं होती। हम जो भी आपका रिमेनिंग आपका स्टॉक बचा है, मतलब नॉर्मल लॉस के बाद जितना भी आपका क्वांटिटी बचा है, हम जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है उसको उसी अमाउंट की क्वांटिटी की जो कॉस्ट है वो मान लेते हैं। तो जो पर यूनिट कॉस्ट है गुड्स की वो इंक्रीज हो जाती है प्रोपोर्शनेटली। सपोज हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। ए ने कंसाइन की गुड्स बी को 500 केजी ऑयल उसने कंसाइन किया, जिसकी कॉस्ट थी 70 रुपीज पर केजी, और ए ने स्पेंड किए 1500 रुपीज फॉरवर्डिंग दी गुड्स पर, और रास्ते में ऑन द वे जो 20 केजी ऑयल था वो स्पॉइल्ड हो गया ड्यू टू लीकेज, तो नॉर्मल लॉस हुआ आपका। बी ने डिलीवरी ली रिमेनिंग गुड्स की और उसके ऊपर उसने खर्च किए 1000 रुपीज ऑक्ट्राई पर, 450 केजी ऑयल जो है वो बी ने सोल्ड किया। तो हमें वैल्यूएशन करनी है स्टॉक की, जो रिमेनिंग स्टॉक है उसकी भी, और जो हम नॉर्मल स्टॉक कहें उसकी भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम वो कैसे करेंगे। जैसे भेजा कितना था उसने 500 केजी और ऑन द वे 20 केजी आपका ख़राब हो गया, तो आपका कितना बचा 480 केजी। तो इसका मतलब कि जो भी खर्चा होगा आपका उसे हम 480 केजीज का खर्चा मानेंगे। देखते हैं इसे प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं। कॉस्ट ऑफ 500 केजीज ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 70 रुपीज हुआ 35,000। एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने किए 1500 रुपीज, जो कंसाइनी ने किए 1000 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट 500 केजीज की बनी 37,500। अब जो 20 केजीज है वो नॉर्मल लॉस हम मान रहे हैं, तो 500 में से 20 हमने माइनस कर दिए तो वो आया 480 केजीज। तो ये जो कॉस्ट 500 केजीज थी की थी, अब वो कॉस्ट हम किसकी मानेंगे, 480 केजीज की मानेंगे। तो जो पर यूनिट कॉस्ट होगी, पर केजी कॉस्ट होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप नॉर्मल लॉस को जो है वो एडजस्ट करते हैं। अब अगर हमें सपोज निकालना है कि हमारा जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। आपका 480 केजीज उसके पास पहुंचा और 480 में से 450 केजी बी ने सोल्ड कर दिया, इसका मतलब जो 30 केजीज ऑयल है आपके पास वो अनसोल्ड पड़ा है। तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अगर 480 केजीज ऑफ ऑयल की जो कॉस्ट है वो 37,500 है, तो 30 की कितनी होगी, तो इंटू 30 हमने कर दिया, तो 2343.75 जो है वो अनसोल्ड स्टॉक की आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। 1200 लीटर्स ऑफ ऑयल वॉज कंसाइंड बाय रमन टू सपना एट द रेट ऑफ 55 रुपीज पर लीटर, फॉरवर्डिंग चार्जेस रुपीज 2400 वर इंकर्ड बाय रमन, 5% ऑफ द कंसाइनमेंट वॉज लॉस्ट इन मेजरिंग एंड हैंडलिंग। मेजरिंग एंड हैंडलिंग में लॉस हुआ ऑयल, तो ये हमारा नॉर्मल लॉस हुआ। सपना सोल्ड 1100 लीटर्स ऑफ ऑयल एट 75 रुपीज पर लीटर, द सेलिंग एक्सपेंसिज रुपीज 5400 वर इंकर्ड बाय सपना, सपना इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स कितने की सेंड की उसने,
जो ऑयल था कितने का सेंड किया, 1200 × 55, तो टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 66,000। एक्सपेंसेस जो इनकर किए उसने 2400 रुपीज़, तो टू कैश एक्सपेंसेस 2400 रुपीज़। सपना ने जो एक्सपेंसेस इनकर किए 5400, तो टू सपना अकाउंट 5400 रुपीज़। अब जितनी उसने सेल्स की, उसने सेल्स कितनी की है, सेल्स की है उसने 1100 लीटर्स ऑफ ऑयल एट 75 रुपीज़ पर लीटर, तो 1100 × 75 82,500 आपका सेल्स आ गया। उसे कमीशन मिलनी है सेल्स के ऊपर 10% की, तो टू सपना अकाउंट कमीशन हमने उसे दिया 10% ऑन 2825,000। अब जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 1200 लीटर भेजा गया था, तो 1200 का 5% जो है वो लॉस हो गया, तो 1200 का 5% हम निकालते हैं तो वो आता है आपका 60 लीटर्स, मतलब 60 लीटर्स जो है हमारा वो लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ। तो हमारा बचा कितना मिलना चाहिए था उसके पास, जो पहुँचा वो पहुँचा 1140 लीटर्स, मतलब 1140 लीटर्स उसके पास पहुंचा। और उसके पास उसने बेचा कितना, उसने बेचा 1100, मतलब 40 लीटर्स का जो स्टॉक है उसके पास अनसोल्ड पड़ा है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 40 लीटर्स पड़ा है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारी कॉस्ट 1200 लीटर्स ऑफ ऑयल की कितनी थी, 66,000, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किए हैं सिर्फ, तो 2400 हमने इंक्लूड कर दिया। जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट नहीं है, वो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो रिअकरिंग नेचर के हैं, तो हम ऐड कौन से करते हैं, नॉन रिअकरिंग नेचर के, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस यहाँ ऐड नहीं हुए। तो टोटल कॉस्ट 1200 लीटर्स की हमें पड़ी 68,400। अब क्योंकि 60 लीटर्स का लॉस हुआ तो ये कॉस्ट कितने की हो गई, जो 68,400 कॉस्ट है ये कॉस्ट बन गई 1140 लीटर्स की। तो अब अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे, अगर 1140 लीटर्स की कॉस्ट है 68,400, तो 40 लीटर्स की कितनी होगी, तो 68,400 × 40/1140 आपका आ गया 2400। तो 2400 रुपीज़ बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने लिख दिया। उसके बाद दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नॉर्मल लॉस का। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड की वजह से नहीं होता है। जो भी लॉस नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स की वजह से नहीं हो रहा है उसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, जैसे थेफ्ट ऑफ गुड्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय प्लिफरेज एसेट्रा। इस टाइप के लॉस को अवॉइड किया जा सकता है बाय एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड क्लेवरनेस। तो जो वैल्यूएशन है एबनॉर्मल लॉस की वो सेम तरीके से होती है जैसे हम वैल्यूएशन करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक की। प्रोपोर्शनेट शेयर जो है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का उसे ऐड किया जाता है जब आप एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट कर रहे हो। तो एबनॉर्मल लॉस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद आप कौन कौन सी एंट्रीज पास करोगे कंसाइनर की बुक्स में। तो सबसे पहले लॉस होने की एंट्री, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर आपने उसका इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम देती है तो एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और फिर एबनॉर्मल लॉस जब जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया और जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था आपका, दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो जो भी आपको उस पे लॉस हुआ है उसको एबनॉर्मल लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज एबनॉर्मल लॉस अगर ट्रांजिट में अकर हुआ है, मतलब जब आपकी गुड्स कंसाइनमेंट की भेजी जा रही है ट्रैवलिंग में इंकर हुआ है, तो प्रोपोर्शनेट शेयर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर किए हैं कंसाइनर ने सिर्फ वही ऐड किए जाएंगे इन द कॉस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द एबनॉर्मल लॉस। जो वैल्यू है एबनॉर्मल लॉस की वो कैलकुलेट की जाती है कॉस्ट प्राइस पर, चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस से, चाहे सॉल्व कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस मेथड से। जो वैल्यू है एबनॉर्मल लॉस की वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं रिलेटिंग टू एबनॉर्मल लॉस वो सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर की बुक्स में एंटर करनी होती है आपको, कंसाइनी की बुक्स में वो एंटर नहीं होंगी। तो इसका भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9,
दिनेश कंसाइन 200 प्रिंटर्स टू रोहित एट द रेट ऑफ 4500 रुपीज पर प्रिंटर. दिनेश स्पेंट 4000 रुपीज एज फॉरवर्डिंग चार्जेस. 15 प्रिंटर्स वर डैमेज्ड इन ट्रांसिट एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 35000 रुपीज. रोहित पेड 9250 रुपीज ऑन कैरेज एंड ऑक्ट्राई. 175 प्रिंटर्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 6200 पर प्रिंटर. रोहित इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल्स. ही सेंड द बैलेंस अमाउंट थ्रू अ चेक. मेक जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ दिनेश. मैं सिर्फ आपको जो लेजर अकाउंट्स है क्वेश्चन में वो बता रही हूँ. लेजर अकाउंट से आप जर्नल एंट्रीज अपने आप बना सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं. कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले उसने कितनी गुड्स भेजी हैं. 200 प्रिंटर्स इंटू 4500 रुपीस. तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ गया 9 लाख रुपीस. उसके बाद उसने एक्सपेंसेस जो इनकर किए हैं 4000 रुपीस एंड रोहित ने पे किए हैं 9250 ऑन कैरेज एंड ऑक ड्राइव. तो उनके एक्सपेंसेस हमने लिख दिए टू कैश एक्सपेंसेस एंड टू रोहित एक्सपेंसेस. रोहित ने सेल्स कितने की है 175 प्रिंटर्स की 6200 रुपीस के हिसाब से. तो 175 इंटू 6200 आपका सेल्स आ गया बाय रोहित अकाउंट 1085000. उसके बाद अब हम यहाँ पे जो हमारा एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे दिखाया हुआ है दैट इज उससे पहले रोहित को कमीशन मिलनी है 6% ऑन सेल्स. तो ये जो हमारी सेल्स हुई है इसके ऊपर 6% कमीशन आपने दे दी. तो टू रोहित अकाउंट कमीशन आपने लिख दिया 65100. अब बात करते हैं हमारा एबनॉर्मल लॉस और जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन की. 200 प्रिंटर्स भेजे थे उसको रिसीव हुए हैं 175 और जो लॉस हुआ है बीच में वो है 15 प्रिंटर्स का. तो अब इसमें आप देखिए 200 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो हमारे पास 185 प्रिंटर्स बचते हैं. तो 185 में से उसने 175 प्रिंटर्स जो हैं वो बेच दिए. मतलब उसके पास अनसोल्ड स्टॉक कितने का पड़ा है 10 प्रिंटर्स का पड़ा है. तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं. एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन 15 प्रिंटर्स की कॉस्ट 4500 रुपीस के हिसाब से बनी 67500. अब ट्रांजिट में हुआ है तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर ने किए हैं वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं. तो प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने किए हैं 4000 उसने एक्सपेंसेस किए तो 4000 डिवाइड बाई 200 इंटू 15. तो 15 के लिए जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बचे बने वो बने 300. तो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस आपकी आ गई 67,800. तो 67,800 हमने यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में शो कर दिया 67,800. देन बात करते हैं अनसोल्ड स्टॉक की. 10 प्रिंटर्स आपके अनसोल्ड पड़े थे तो कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 10 प्रिंटर्स 10 इंटू 4500. देन प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनर की 4000 डिवाइड बाई 200 इंटू 10. देन प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनी के 19250 185 प्रिंटर्स के लिए हम यहाँ लेंगे क्योंकि जो 10 का है जो आपके 15 प्रिंटर्स हैं उसका एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो उसने किए वो 185 के लिए किए. तो ये आ गया हमारा 500 और ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की. और कंसाइनमेंट अकाउंट में वैल्यू लिखने के बाद क्लोजिंग स्टॉक की आप बैलेंस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा. देन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बाय कंसाइनमेंट 9 लाख रुपीस एंड ट्रांसफ़र कर देंगे उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में. देन रोहित के अकाउंट में रोहित ने जो सेल्स की टू कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पर. देन कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस उसके कंसाइनमेंट का कमीशन उसका. लॉस हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी. देन बैलेंस आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी जो उसको ड्यू है अमाउंट. देन एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनेगा कंसाइनर की बुक्स में खाली. तो कंसाइनर की बुक्स में हमने रिकॉर्ड किया टू कंसाइनमेंट अकाउंट 67800. इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 35000 और रिमेनिंग चला गया हमारा P&L अकाउंट में. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. Thank you so much.